बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना तो हमारी हिंदी गोश्त तैयार हो गया है। अब मैं बना रही हूँ जौ की रोटी। जौ की रोटी जैसे आप शुगर पेशेंट के लिए बड़ी अच्छी होती है। ये मैं थोड़ा सा आटा निकालूंगी क्योंकि उसी वक्त गूंदा जाता है, साथ साथ ही इसकी रोटी बनाई जाती है। जौ का आटा मैंने बाउल में से निकाल लिया, इसको मैं गूंदती हूँ। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया, इसके ऊपर मैंने जैसे बाजरे की रोटी होती है और उसकी होती है मकई की रोटी, साग के साथ बनाते हैं, इसमें अगर जौ की रोटी के साथ मकई का आटा थोड़ा मिक्स कर लिया जाए तो इसकी शुगर पेशेंट को दी जाए तो कहते हैं कि शुगर कंट्रोल हो जाता है। इसलिए मैं रोटी जौ की बनाती हूँ, अबू के लिए, अपने लिए और अम्मी के लिए। ऐसे करके इसको मलूंगी क्योंकि ये दूसरे आटे की तरह नहीं गूंदा जाता। डेढ़ से दो मिनट इसको ऐसे मलेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी लगा के फिर इनके पेड़े बना लेंगे। ये हमने भून दिया, अब इसके मैं पेड़े बना लेती हूँ। ये तीन रोटी का आटा मैंने गूंदा है और तीन मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं। ये मेरे पेड़े बन गए। इस रोटी को ना, ये आटे की रोटी दूसरी तो गोल बनती है, इस रोटी को बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ये फट जाती है। और दूसरा ये कि अगर थोड़ी देर भी आटा पड़ा रहे तो रोटी गोल नहीं बनती और सही भी नहीं होती। ये देखिए माशाल्लाह, अब मैं रोटी बेल रही हूँ। जितना साइज आपने करना हो उतना आप इसका कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही डालूंगी। अगर इसको गोल करना है तो आप साइड से छुरी के साथ या कटर के साथ इसके किनारे जो हैं वो काट सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह रोटी बन गई है। इसको पैन में डालूंगी। इसी तरह बाकी जो दो रोटियां उनको भी मैं कर लूंगी। ये देखिए सेक लग गया है। ये हमारी रोटी अब अम्मी के लिए बना रहे हैं क्योंकि बच्चों ने तो तंदूर की रोटी खानी है, वो तो लाइक ही नहीं करते, पसंद ही नहीं है उन्हें जौ की रोटी और खाते भी नहीं है। इसलिए उनके लिए मैंने नहीं बनाई, उनको तंदूर से मंगवा के दे दी। तो ये लाइट आई है, लाइट के बाद मैंने कहा अम्मी के लिए रोटी बना लेती हूँ।
देखिए माशाल्लाह दोनों साइडों से इसके ऊपर फूल बन गए, रोटी बन गई है। ये देखिए अगर चाहें तो इसको आप वो रुमाल के साथ या जो वो कोना होता है जिसे सब बोलते हैं उसके साथ दबा भी सकते हैं, लेकिन मैं उसको दबा नहीं रही, वैसे ही अपनी हीट के साथ ही उसके ऊपर फूल बनेगी और वो पकेगी अंदर से। वैसे अमूमन अगर गंदम की रोटी बनाई जाए तो वो साइज़ में बड़ी होती है, ये बड़ी नहीं हो सकती, तो तुम जितना समझ में आता है उतना ही। पहले मैं बनाती थी इसको लिक्विड बना के, इसका लिक्विड बना लेती थी पेस्ट की तरह ना, पेस्ट बना के तो वो ऐसे में अंदर फैला देती थी, उसके बाद उसको टर्न आउट करती थी होता, लेकिन उसका टेस्ट नहीं आता था जो ये टेस्ट है उसके हिसाब से। अब मैं ये दूसरी रोटी बना रही हूँ, ये हमारी रोटी तैयार हो गई है। अब दूसरी रोटी में पैन में डालती हूँ, बेल के रखी थी सामने। हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी व्यूवर्स, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। आपकी हेल्प के बगैर तो कुछ भी नहीं मैं कर सकती हूँ, ना मुझे आता ही, अभी मैं सीख रही हूँ बार बार। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इग्नोर ना कीजिएगा, देखिएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा जहाँ जहाँ मिस्टेक है वहाँ मुझे बताइएगा, ताकि मैं उन मिस्टेक्स को सही कर सकूँ। और दूसरा मेरी वालदा के लिए स्पेशली दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, उनकी नज़र सही हो जाए और वो चलना शुरू हो जाए। अब ये रोटी हमारी दूसरी भी तैयार हो गई है, तीसरा पेड़ा हम निकालते हैं। ये जनाब हमारा है लास्ट, देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा फूल बना ऊपर, ये देखिए। जब थोड़ी देर के लिए आटा गूंद के रख लेते हैं ना तो उसके बाद ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए माशाल्लाह रोटी फूलना शुरू हो गई खुद से ही, ये देखिए कितनी प्यारी। थोड़ा सा जहाँ से आपको लगता है कि कसर है इसकी, पकी नहीं है, वहाँ से आप थोड़ा उसको प्रेस कर सकते हैं ताकि पैन के साथ लगे और वहाँ से वो फट जाए, देखें। और यहाँ पे ये देखें तीसरा पेड़ा, थोड़ी देर हो गई थी मतलब दो रोटियाँ बनाने तक, ये साथ साथ भूनते हैं मकई का आटा ना, मलते हैं हल्का सा नीम गर्म पानी पास रख लेते हैं और मलते जाते हैं, एक एक रोटी का आटा ऊपर तवे पे डालते जाते हैं और बनाते जाते हैं। बना के अगर भून के रख लें तो रोटी की जो साइडें हैं वो हल्की हल्की सी फटना शुरू हो जाती हैं। जी जनाब ये हमारी दूसरी रोटी तैयार हो गई, देखिए माशाल्लाह ये गंदम इसमें मिक्स नहीं है। वैसे मैं अगर बनाऊँ तो मैं इसमें बेसन थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, आज मैंने बेसन नहीं मिक्स किया। ये हमारी तीसरी भी आ गई,
जी जनाब, हमारी रोटी बन के तैयार हो गई। ये देखे, थोड़ी देर नहीं उठाई मैं, अम्मी के लिए सालन निकालने चली गई हूँ। ये देखें रेड हो गई है जी। अब हम फ्लेम को करते हैं ऑफ और ये रोटी भी निकाल लेते हैं। ये अम्मी के लिए हमने प्लेट लगा ली है जी जनाब। ये है हमारी भिंडी गोश और ये है जौ की रोटी आज का। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जहां इस चैनल को प्लीज़ गाइड भी कीजिएगा। यूट्यूब फैमिली से स्पेशली दुआ के लिए भी अपील है, अल्लाह ताला आप लोगों को हज उमरा की सआदत अता फरमाए और आपके सदके मुझे भी, मेरी वालदा को भी। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।